बताए आवाज किसकी आ रही है, साइलेंट कर लेना आवाज। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं अभी अभी बता दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और कभी नहीं भूलोगे आप लाइफ में, एक बार अगर सीख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। देखो कह रहे भाई, मैंने सेवन नहीं भाई, मैंने नंबर डिवाइडेड बाय 119, क्वेश्चन नंबर भाई आपका 14 है। जब किसी नंबर को 119 से डिवाइड करते, मैंने नंबर डिवाइडेड बाय 119, द रिमाइंडर इज 35, रिमाइंडर है आपका 35। व्हेन द सेम नंबर, जब उसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे 17 से, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? तो ये है ना आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है ना एक एक पेज में इसका आंसर दिया हुआ है इधर बुक्स में, तो इसको आप ध्यान से देखो, बहुत अच्छा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जो भी आपको रिमाइंडर देगा ना भाई, इसी को आप नंबर मान लो, और आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अगर ये कहता है कि मैंने एक नंबर को इससे भाग किया तो मेरा शेषफल ये आया, तो उसी नंबर को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? तो जो आपका रिमाइंडर हो ना, आपको यही नंबर मानना है, बस यही है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। आप भाई 35 कोई नंबर ले लो, तो जब आप 35 को नंबर लोगे तो 17 2 34 रिमाइंडर 1 आया, 1 आंसर हो गया। अगर ये कहते हैं भाई व्हेन द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, तो भाई 35 का स्क्वायर कर लो, 35 × 35 आपको सिखाया हुआ है, 1225 हो जाएगा, उसको जब 17 से भाग करोगे तो वो आ जाएगा। अगर ये कहता है व्हेन द क्यूब ऑफ द नंबर, तो इसका क्यूब कर लेते आपका आंसर आ जाता। भाई क्वेश्चन नंबर अब आपका है भाई 15 का आंसर, अपने आप मेरे ख्याल से आप बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाय 15 रिमाइंडर इज 12, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय 15 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन है, जब किसी नंबर को मैंने 15 से भाग किया तो शेषफल 12 आया, जब मैं उसके स्क्वायर को 15 से भाग करूंगा तो क्या शेषफल आएगा मेरा, ये क्वेश्चन। क्वेश्चन सबके पास ही है भाई आप लोगों के, ठीक है। 15 भी अपने आप करो, 16 भी अपने आप करो, 25 भी अपने आप करो, तीनों करो भाई। अगर क्वेश्चन ना हो किसी के पास तो मेरे को बता देना भाई, वैसे ग्रुप में सेंड हो चुके हैं सारे, और आप सारे ग्रुप में एड हो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मैं पूछता हूँ भाई आप में से, राहुल चौहान क्या आंसर है भाई 15 का, मिस्टर राहुल चौहान। बाप भाई पॉइंट में तो आंसर आ ही नहीं रहा दोस्त, पॉइंट में तो आंसर कहाँ रहा है यार, पॉइंट में तो आ ही नहीं रहा। सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दामिनी क्या आंसर है बेटा आपका, दामिनी बेटा आपको आपको नहीं है, जो रिमाइंडर है ना इसमें लिखा हुआ है ना, नंबर डिवाइडेड बाय 15 रिमाइंडर इज 12 व्हेन द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो जो रिमाइंडर है ना उसी को ही नंबर मान लो, तो रिमाइंडर इसका 12 है, तो 12 का स्क्वायर करो 144, 144 को 15 से डिवाइड करो, जो आंसर होगा वही आपका आंसर है। देव का आंसर गलत है यार, 16 आंसर दे रहे हो भाई देव तुम। हाँ फोर्टीन आंसर ऑप्शन में ही नहीं है ये तो यार, बेटा पॉइंट में नहीं, रिमाइंडर जो होगा ना वही आंसर होता है, रिमाइंडर आंसर होता है सर। भाई तुम्हारा तो 16वें का भी गलत है, 16वां भी गलत है तुम्हारा तो, दो आंसर जिसने बोला है सही है भाई। सही है भाई अविनाश जी, आपका बिल्कुल सही है मिस्टर अविनाश जी।
वरुण आपका हो गया भाई, मिस्टर वरुण। यार तुम तो नो ही बोलना यार, इसमें है क्या, इसमें इधर देखो, दोबारा देखो भाई बोर्ड पे। तो मैंने कहा था यार, जब किसी नंबर को तुमने इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर है 35, जब उसी नंबर को तुम, तो भाई ये जो रिमाइंडर होता है ना उसी को डिवाइड कर दो बस। रिमाइंडर 35 है तो 17 से डिवाइड करोगे, 1 रिमाइंडर आगे आंसर आगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाय 15, जब किसी नंबर को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 आएगा। अब कह रहा है भाई व्हेन द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, जब इसके स्क्वायर को, यही नंबर है आपका, इसके स्क्वायर को 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। इसमें भी वही कह रहा है, 15 से ही कह रहा है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 144 होगा। कितने पे जा रहा है भाई ये, कितने पे जा रहा है अभी ये, 59 का कितना होता है 135, तो कितना आया रिमाइंडर, कितना आया आपका। तो ये पॉइंट पॉइंट में आंसर कहां से आ रहे थे तुम्हारे, पॉइंटों में आंसर कहां से आ रहे थे, 9 है तो 9 ही हो गया ना आंसर। जब मैंने बोला जो रिमाइंडर होगा वही आंसर होगा, रिमाइंडर में 9 है तो 9 आंसर होगा, खत्म सवाल। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का मैं बताना मत यार आंसर, जिसका होगा ना अब ये वरुण ही बताएगा। वरुण बताओ भाई क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, जिसमें सेम कह रहा है उसमें रिमाइंडर से ही करना है, स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर है और क्यूब कह रहा है तो क्यूब भाई, और कुछ नहीं है इसमें। आंसर दो भाई वरुण जल्दी, क्वेश्चन है नहीं, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ यार, ये लो देख लो बेटा, सबके पास है ग्रुप में, कल भेजा हुआ था। व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाय 2 to 5 रिमाइंडर इज 34, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 व्हाट विल बी द रिमाइंडर, को मैं और अच्छे से क्लियर करता हूँ, एक सेकंड ये लो। भावना क्या आंसर होगा बेटा इसका, भावना कितना है भाई, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, ये 34 को जो 15 से करोगे, सेम नंबर कह रहा है तो 15 2 जा 34 आया रिमाइंडर, तो 4 आंसर हो गया, और क्या इसमें, खत्म सवाल बस। चलो लास्ट करो भाई, ये लो ये 25 वाला लास्ट बताओ भाई। व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाय 12 रिमाइंडर इज 9, व्हेन क्यूब ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 व्हाट इज द रिमाइंडर, क्यूब बिल्कुल सही है भाई। अब 9 रिमाइंडर है तो 9 को क्यूब करो ना, उसी को तो 12 से करोगे। चलो अरे तो मेरे भाई उसको 12 से डिवाइड भी तो करोगे, जो रिमाइंडर होगा तभी तो आंसर बताओगे ना यार, 4 कहां से आएगा यार। क्या हुआ गीतांश, कुछ क्यों हो रहे भाई ने? क्या 5 कहां से हो जाएगा यार, तुम तो तुक्के ही मारते रहना, 5 4 है, सही है भाई, 9 सही है, देखो सही है भाई। 16 वाला जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको बताया था, मैंने नंबर डिवाइडेड बाय 2 to 5, जब किसी नंबर को 2 to 5 से करेंगे तो रिमाइंडर है 34, जब इसी नंबर को आप 15 से करोगे तो क्या आएगा, 15 2 जा 34 आ रहा है, तो भाई 4 आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कह रहा है सेम नंबर कह रहा है, और लास्ट वाला था आपका 20, अभी मैंने बताया आपको 25, उसमें कह रहा है मैंने नंबर इज डिवाइडेड बाय, मैंने नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, जब किसी नंबर को 12 से किया तो रिमाइंडर है 9। अब कह रहा है व्हेन द क्यूब ऑफ द नंबर, इस नंबर के क्यूब को, तो 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है भाई आपका 7। हाँ अब 7 to 9 है भाई, अब व्हेन द, अब इसको 12 से करेंगे तो क्या आएगा भाई, अब 12 से करोगे तो क्या आएगा, 12 6 जा 72, ये गया पूरा, ये नीचे 9 आया भाई आपका, 69 आया ना रिमाइंडर में, 9 आया ना, तो बस ये तुम्हारा 9 आंसर हो गया, बस जो रिमाइंडर में वो आपका आंसर हो गया, खत्म सवाल वही बस तुम्हारा, दिस इज द आंसर। ले भाई देख ले, इसमें कह रहा है भाई सेम नंबर कह रहा है, अगर स्क्वायर कहता तो स्क्वायर, इसमें कह रहा है सेम नंबर, तो सेम 34 है तो मैंने 34 ही ले लिया, इसको 2 से किया 15 2 जा 34 आया रिमाइंडर, 4 आंसर हो गया।
नहीं आया ध्रुव समझ में। अरे तुम्हें बहुत जल्दी समझ आता है भाई ध्रुव। चलो सेंड कर रहा हूँ भाई मैं, चलो एक साथ ही सेंड कर दूंगा। अगला आगे देखो भाई, मैं एक साथ उतार लेता हूँ क्वेश्चंस के, फिर आपको मैं एक ही साथ करा दूंगा सारे। एटीन भाई, एक साथ तो उतारू मैं सारे क्वेश्चन फिर साथ साथ। अगला भाई 56। नेक्स्ट है भाई आपका 650। इनफाइनाइट का नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 20 है भाई 11 प्लस 7 इंटू 90 90 90 इनफाइनाइट तक है भाई ये सर 21 है भाई आपका 5 5 5 5 5 5 22 है भाई आपका 7 4 9 7 7 7 7 23 है भाई आप 23 थोड़ा गैप दे देता हूँ 23 है भाई आपका 30 30 माइनस 30 माइनस 30 इनफाइनाइट 24 है भाई आपका लास्ट है भाई 90 तो भाई ठीक है 2 मिनट दे रहा हूँ जल्दी से क्वेश्चन उतार लो फिर और सॉल्व भी कर लो अपनी अपनी कॉपी में निकाल के। जैसे ये हो जाए बता देना फिर मैं अगले वाले दिखा दूंगा 17 18 19 20 21। अरे गुरुजी अभी उतार तो लो। जिस बच्चे के पास असाइनमेंट नहीं है ग्रुप में जो भी कह रहा था मेरे ख्याल से वरुण कह रहे थे, वरुण ये हो जाए तो भाई बता देना फिर मैं ये नेक्स्ट वाले दिखा दूंगा। एक सेकंड एक साथ ही देख। उतार ली भाई ठीक है आंसर बताने स्टार्ट करो भाई 17 का क्या आंसर है भाई। ठीक है भाई बिल्कुल सही है भाई कैफ कैफ तुम्हारा गलत कैसे। अच्छा अगले का है ठीक है सही है भाई बिल्कुल सही है। 18 का क्या है भाई 18 का ठीक है भाई 19 देखो भाई बिल्कुल सही है भाई बिल्कुल सही आंसर है। देखो भाई आपको बताया हुआ था इसके फैक्टर बनाने भाई और वो फैक्टर बनाने जिनका डिफरेंस 1 है। तो भाई मैंने बनाया 6 7 जे 42 6 7 जे 42 इनका डिफरेंस 1 है तो दोनों में से कौन सा बड़ा है 7 बड़ा है तो भाई 7 आंसर हो गया दिस इज आंसर खत्म। ठीक है अंतर एक आना चाहिए बस 56 है भाई फैक्टर बनाने भाई 56 के फैक्टर आपके बन रहे 7 8 जा 56 भाई दोनों का डिफरेंस आपका 1 है दोनों में से बड़ा कौन सा 8 है तो 8 आंसर होगा भाई तुम्हारा दिस इज आंसर भाई खत्म सवाल भाई। अगले का क्या क्या फैक्टर बन रहा है भाई 25 और 26 डिफरेंस 1 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 650 आएगा भाई
दोनों में से बड़ा कौन सा है? 26, तो कोई 26 आंसर हो गया इसका। अगर आप कहोगे हाँ बोलो। अरे अंतर एक थोड़ी आ रहा है फिर उसका, कितनी बार बताऊं? दो भाई, जो फैक्टर बनाओगे ना उनका अंतर एक होना चाहिए दोनों का। अगर आप कहोगे, अगर कोई स्टूडेंट कहेगा इसका बड़ा मेथड करके बता दो स्कूल वाले मेथड से, तो मैं वो भी करके दिखा दूंगा। अगर कोई कहता है तो मैं अभी करके बता दूंगा, बता देना भाई मेरे को, किसी को सीखना है तो। आगे देखो भाई, ये 90 है भाई। अब ये देखो भाई, 20 का आंसर बताओ। चलो इसका आंसर कौन करेगा, करो इसको अपने। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई, अब आपको जो मैंने बताया यहां से यहां तक का, ये रूट के अंदर है, आपको सिखा दिया 9 × 10, तो दोनों में से बड़ा 10 है, तो यहां से यहां तक का आंसर हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। यार ये शोर आ रहा है, कैफ तुम्हारा आ रहा है यार, तुम अपना करो साइलेंट। ठीक है, अब ये 9 × 10 = 90, 10 हो गया भाई। अब 10 को 7 से करोगे, 10 × अब यहां से यहां तक का आंसर तो 10 आ गया। अब क्या बचा अंदर? 11 + 7 × 10, ये बचा ना भाई, ये तो पूरे का 10 निकाल लिया। अब बोर्ड मास में आपको पता, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 70 + 11 कितना हो जाएगा? 81। और 81 का क्या होता है? 9 होता है, आंसर 9 आ गया। दिस इज द खत्म सवाल भाई आपका, बस ये है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, क्या आंसर आया भाई 21 का बताओ भाई? 5 की पावर, बिल्कुल सही है। देखो भाई, 1, 2, 3, अगर ये मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस नहीं है, तो सदा 2 की पावर लेनी है भाई। तो 2 की पावर 3, 3 क्यों लेंगे? क्योंकि 3 बार है। अगर 4 बार होता तो 4 ले लेते, 5 बार होता तो 5। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है भाई। 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 8। अब ये 5 as it is उतारेंगे भाई, इसमें से सदा 1 माइनस करेंगे, 7 लिख लेंगे, और ये 8 यहाँ पे आ जाएगा भाई। तो आंसर हो जाएगा 5 raised to the power 7 भाई, दिस इज आंसर। इसमें से सदा 1 ही माइनस करना है, और ये 8 as it is यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज द आंसर भाई। ठीक है, देखो ये आपका 7 4 टाइम है। तो मैंने कहा था 2 की पावर अगर 4 टाइम है, तो 2 की पावर 4 ले लो भाई। 2 की पावर 4 आपने ली, कितना है? 16 आया, क्योंकि 4 टाइम है। तो अब ये 7 as it is उतार लोगे, इसमें से 1 माइनस करना है यहाँ पे, और ये 16 भाई यहाँ पे सदा 1 माइनस करके ऊपर पावर आ जाएगी एज इट इज। तो आंसर होगा 7 as to 15/16। 23 का क्या आंसर होगा भाई? अब बोलो। हाँ अभी करके दिखा रहा हूँ कैफ, अभी ये भी करके दिखा रहा हूँ, वो भी करके, अभी दोनों तक करके दिखा रहा हूँ कैफ भाई अभी। ठीक है, एक बार ये देख लो, एक बार ये बस मैं खत्म करके सेंड कर दूं आपको, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड पूरा भर चुका है भाई, ये पूरा व्हाइट, हाँ ये कैफ पूरा व्हाइट बोर्ड भर चुका है भाई ये। फिर मैं आपकी उसको मिटा के फिर कर। क्या आंसर है इसका? 5 6 जा 30, क्या आंसर होगा? 5 होगा। माइनस वाले में लेंगे छोटे वाला, और प्लस वाले में लेंगे बड़े वाला। इसका क्या आंसर होगा भाई? 90 का 9 होगा, बिल्कुल सही है। 9 × 10 = 99 आंसर होगा। ये आवाज किसकी भर रहा है इतनी ज्यादा? ठीक है भाई, चलो भाई, अब जैसे अभी कैफ ने मेरे को बोला है कि इसका स्कूल वाले मेथड भी करके दिखा दो, तो मैं भी आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं अभी इसका फोटो खींच के मैं आपको अभी सेंड करूंगा। हाँ हाँ कर देता हूँ यार, अभी कर देता हूँ, कोई दिक्कत।
मेरे ख्याल से क्वेश्चन पहुंच गए होंगे भाई, सबको रिसीव हो गए होंगे। ठीक, अच्छा इनको है ना करके सेंड भी किया करो मेरे को, जैसे अविनाश है तो तुरंत सेंड करता भाई मेरे को, जो भी लास्ट क्लास में होता है ना, तो ऐसे मेरे को तुरंत सेंड किया करो, कुछ भी चेंज भी तुरंत सेंड कर देते, उससे थोड़ी सी घर में प्रैक्टिस करोगे ना तो और अच्छी स्पीड आती है फिर उससे। देखो देखो भाई कैफ, पहले आप ये वाला कह रहे थे, ये वाला देख लो भाई पहले, देखो दिख रहा है भाई सबको? ठीक है, कैफ नजर आ रहा है भाई? ये लो, ठीक है भाई। कैफ देखो, सेवन 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 भाई, ये जो मेरा रूट है, जब मेरा रूट हटेगा तो मेरा पावर हो जाएगी 1/2। अगर मेरा ये रूट थ्री है, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 1/2, तो ऐसे ही मैंने 7 की पावर लिख दी 1/2, और जिसके पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। आगे देखो, 7 7 7, आपको पता है भाई जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। बहुत बढ़िया, तो अब ये भाई ये 40 मिनट फिर पूरे होने वाला है 10 मिनट के बाद, तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना। तो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 करोगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा भाई, ये पावर हो गया भाई 3/2। यहां तक क्लियर हो गया भाई? पावर ऐड कर दी ना, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। आगे देखो भाई, 7 7। अब भाई जो ये आपका है भाई 3/2, अब जब ये रूट आपका हटेगा भाई, फिर एक बार और 1/2 आ जाएगा, क्योंकि आपको बताया था जब भी रूट हटता है तो 1/2 आ जाता है। अब क्या होगा भाई, 7 7 × 7, पावर से पावर मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3 2 2 जा 4। किसकी आवाज आ रही है? ठीक है भाई, जिसको ना क्लियर वो बोल सकता है 3/4, जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा पावर 1 होती है भाई। अब देखो, 7 7, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4। सेवन सेवन के 7/4, अब रूट हटाने के लिए 1/2, तो आपका हो गया भाई ये 7 7 की पावर 7/8, 7 1 जा 7 4 2 जा 8, पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। 7 8 1 जा 8 प्लस 7 15/8। अब ये रूट एक और है भाई, अब इसको हटाने के लिए 1/2, पावर से पावर मल्टीप्लाई, 15 1 जा 15 8 2 जा 16, तो 7 raised to the power 15/16 आपका आंसर आ गया। ये भाई आपका इतना बड़ा है। ठीक है भाई, ये मैंने ना कुछ स्टूडेंट्स को दिया था, उनके आंसर तो आ गए थे लास्ट ईयर में, एक दो बच्चे आए थे, आंसर तो उन्होंने निकाल दिया था, पर ऐसे ही निकाला था। मैंने कैसे बताया आपको, 1 2 3 4, 2 raised to the power 4 कितना होगा 16। अब ये एज इट इज उतार लो 7, इसमें से 1 माइनस करना है 15, और ये 16 यहाँ पे, दिस इज द आंसर खत्म से। और ये भाई आपका यहाँ पे भी आपका सेम आंसर आ रहा है, पर काफी लेंथी मेथड है। कैफ समझ आ गया? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। देखो जैसे आपका ये भाई, अब मैंने आपको क्या बताया, 5 6 या 30, अब इसी को आप लॉन्ग मेथड से स्टूडेंट कैसे करेंगे, एक्स एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स, रूट हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, भाई एक्स स्क्वायर आया आपका 30 प्लस एक्स। अब ये प्लस वाले डिजिट इधर माइनस में आ जाएगी,
अब 30 का फैक्टर बनाओगे, 5 और 6। अब इसमें से भाई x दिख रहा है तो भाई x कॉमन ले लोगे, 5 आ रहा है भाई 5 कॉमन ले लोगे, तो एक आएगा भाई x प्लस 5, एक आएगा भाई x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 चले रहा है भाई आपका। तो भाई एक आ गया x इज इक्वल टू माइनस 5, दूसरा आ गया 6। माइनस वाला लेते नहीं, प्लस वाला लेते हैं, तो 6 आंसर हो गया। हमने आपको क्या बताया, सीधा कर लो 5 6 या 30, डिफरेंस 1 है तो 6 आंसर हो गया। ठीक है, चलो मैं आपको दो तीन क्वेश्चन देता हूँ और अभी आप मेरे को करके बताना, और ये भी मैं जो ये लॉन्ग मेथड है ये भी मैं अभी सेंड कर दूंगा आपको सब। बताओ भाई मेरे को, मैंने दिया भाई आपको 1 0 10 प्लस 1 0 10 प्लस 1 0 10, क्या आंसर होगा भाई जल्दी बताओ। चलो मैं पूछता हूँ फिर बताना, जिससे मैं पूछ रहा हूँ। एक मिनट, मेरे को ऋषभ तुम बताओ भाई, ऋषभ। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बिल्कुल है, बिल्कुल सही भाई, 10 × 11 11 आंसर हो गया भाई। ठीक है, 1 का डिफरेंस है। चलो भाई बताओ मेरे को क्या आंसर होगा भाई, 90 है भाई, 10, बिल्कुल सही है भाई, 9 10, बिल्कुल सही है भाई, 10 आंसर है, डिफरेंस 1 है। चलो भाई बताओ भाई आंसर, इन्फिनिटी तक जा रहा है भाई, 5 है भाई, क्या आंसर होगा भाई बताओ भाई, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा इज इक्वल टू में तो 5 है, मैंने पूछा एक्स की जगह क्या आएगा। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है भाई, 20 यार, बिल्कुल सही यार। तुम्हें बताया कि बड़े वाला आंसर होता है, तो इसके छोटे वाले से जो 5 से छोटा है, 5 से छोटा 4 है, तो 4 से कर दो, 20 आंसर हो गया। बड़े वाला आंसर होता है ना, अगर तुम्हारा दोस्त ये होता क्वेश्चन 20, अगर मैं तुम्हारा ये क्वेश्चन दे देता 20, तो तुम क्या करते, 4 5 जो 20 करते ना, तुम करते 4 5 जो 25 आंसर। अब जब पूरे के इक्वल में 5 है, अंदर पूछा है तो 20 आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, बताओ भाई मेरे को बताओ, बताओ भाई क्या आंसर होगा जल्दी बताओ। कितना होगा, 30, बिल्कुल सही है भाई, इससे छोटे वाले से कर दो है ना, x इज इक्वल टू 30 आंसर होगा, क्योंकि अगर अंदर 30 होगा। चलो एक लास्ट लास्ट है भाई, बताओ भाई क्या होगा, माइनस में है भाई, ये सारे माइनस में, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, 56 है ना, अगर हाँ है ना, क्योंकि तुम खुद सोचो अगर अंदर 56 होता है ना, अगर अंदर 56 होता भाई, तो तुम्हें पता है 7 8 56, माइनस में छोटे वाला लेते हैं, तो इससे एक बड़े से कर दो। ठीक है, बस ये इससे ज्यादा नहीं, मैं सेंड कर रहा हूँ भाई आप लोगों को, सेंड करूं भाई मैं सर। अब जल्दी से भाई इनको 5 मिनट का टाइम, इनको जल्दी से रिवाइज कर लो, जो जो मैंने आपको दिया है ना, एक बार इनको नजर के सामने से निकाल लो जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट असाइनमेंट करा रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस करा दूँ, अभी करवा रहा हूँ भाई, करवा रहा हूँ।
कल कौन से करवाए थे? अरे करा सारे करा देता हूँ यार, अब तुम कह रहे हो तो यार किसी के पास। आर्यन बोल रहे हो ना, मिस्टर आर्यन हो ना? देखो हाँ ठीक है आर्यन, देखो चलो भाई आर्यन तुम ही जवाब दो भाई मेरे को प्रैक्टिस के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा भाई 6। आर्यन बताएगा भाई, कोई नहीं बताएगा। आर्यन भाई आंसर दो जल्दी। आर्यन, वरुण, प्रवीण, ऋषभ। ठीक है भाई, 2 3 6 3 आंसर है, बिल्कुल सही है भाई। द डिफरेंस वन है, बिल्कुल सही है भाई। 132 क्या आंसर है भाई? माइनस है। गलत भाई, गलत भाई, बहुत बढ़िया। 11 × 12 है, 11 डिफरेंस वन है, छोटे वाला होगा, माइनस है, माइनस में छोटे वाला होगा, 11 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भाई, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे। बताओ भाई 9 कहां से हो जाएगा? 4 5 24 आंसर होगा, डिफरेंस वन होना चाहिए ना भाई। 9 कहां से हो जाएगा? 5 कहां से हो जाएगा? क्या आंसर होगा भाई? 9 9 बेटा, कर रहा हूँ एक्सपेंड, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। या बताओ भाई क्या आंसर है? गलत आंसर बता रहे हैं भाई सारे बच्चे, जो जिसने भी आंसर बताया गलत आंसर है। देखो भाई, अगर माइनस आएगा, माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस है तो 9 को इससे अगले से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 9 10 90, तो एक्स तुम्हारा 90 आंसर आएगा। अगर माइनस है तो अगले से कर दो, प्लस है तो पहले वाले से कर दो। वो क्यों किया? देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई, ये है भाई, अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका क्या आंसर होगा, तो क्या आंसर होगा भाई इसका? 9 होगा। 9 10 90, आपको पता है इस पूरे के इक्वल में 9 है, आपको पता है इस पूरे के इक्वल में 9 है, और यहां पे मैंने एक्स रख दिया, तो एक्स 90 होगा ना, इसका मतलब इससे अगले से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो एक क्वेश्चन बोल दो, मैंने यहां पे लिखा क्या आंसर होगा भाई, एक्स की जगह क्या आएगा? एक्स
एक्स की जगह बेटा वन भाई, एक्स की जगह मैंने कहा 90 आएगा, 90 नहीं आएगा, 110 आएगा। मैंने कहा अगर माइनस है ना बच्चे तो इसको इससे अगले से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से अगला क्या होता है 11 होता है, क्योंकि छोटे वाला आंसर होता है ना, तो अगले से कर दो। तो अगर आप ये सोच के देखो, आप पहले अगर 90 आपने बोला है ना तो आप अपने माइंड में 90 सोच के देख लिया, अगर अगर 90 होगा तो क्या आंसर आ रहा है, अगर 110 है तो क्या आंसर होगा आपको पता, 10 × 11 छोटे वाला, और जब इक्वल में 10 है तो अंदर 110 होगा ना, छोटे वाला लेंगे ना। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, बताओ भाई मेरे को, प्लस दे दिया भाई मैंने, ध्यान रखना प्लस है माइनस नहीं है, 10 दिया भाई मैंने, बताओ क्या आंसर होगा। 90। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, 90 होगा, क्योंकि आपने सोच लिया अगर भाई यहाँ पे 90 है तो यूं देख लिया, अगर 9 × 10 = 90, अच्छा 10 आंसर है भाई मेरा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलो नेक्स्ट, मैंने दिया भाई आपको यहाँ पे माइनस का दिया मैंने आपको 5, एनी अदर स्टूडेंट, नहीं बेटा 60 कहां से आ जाएगा, 30, 16 के तो यार फैक्टर ही नहीं बन रहे जिनका अंतर एक हो, आपको बताया ना इसको इससे अगले से कर दिया करो, 30 अगर होगा तो 5 × 6 = 30, तभी तो 5 आंसर आएगा ना भाई, तो अंदर 30 आएगा, इसका मतलब x की जगह 30 आएगा। आर्यन समझ ही नहीं आया क्या अभी भी, बता भाई आर्यन, तू बता भाई आर्यन, तुम बताओ भाई क्या आंसर होगा भाई आर्यन इसका, तुम ही बताओ भाई, बोलो भाई आर्यन। हाँ सही है बेटा आपका, सही है आर्यन भाई, अगर माइनस है ना तो भाई इसको इससे अगले से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से अगला 8 होता है तो x की जगह 56 आएगा भाई तुम्हारा आंसर बस, और अगर प्लस है तो पहले वाले से, अगर ये माइनस है भाई तो 10 से अगला 11 होता है तो अंदर 110 आ जाएगा भाई, और अगर प्लस है तो छोटे वाले से कर दो, 10 × 9 = 90 हो जाएगा, माइनस है तो अगले वाले से कर दो, 5 × 6 = 30 हो जाएगा, माइनस है तो अगले वाले से कर दो, 56 हो जाएगा। अब आगे समझ, चलो बस लो बताओ भाई आर्यन, लो भाई मैंने ये लिखा भाई यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने, चलो और मैंने आपको यहाँ पर दे दिया भाई 9 दे दिया भाई, क्या आंसर होगा भाई आर्यन, बिल्कुल सही है 72, क्योंकि तुम अगर करोगे 8 × 9 = 72 तो बड़े वाला 9 है तो 9 आंसर हो जाएगा, समझ आ गया आर्यन, आ गया भाई समझ। चलो ठीक है, चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ये वाले भी पूछता हूँ, चलो भाई आर्यन मैंने आपको दिया क्वेश्चन 11 11 11 भाई, इसको सोल्व करके आंसर बताओ, हाँ अरे इनको भी बताने दो, ये तुम तो यार बहुत बार कर चुके हो राहुल कैफ वगैरह, इनको बताने दो बेटा क्या आंसर बताया आपने, नहीं बेटा आपको बताया 1 2 3 है ना, तो सदा 2 की पावर लेनी बेटा, 2 की पावर 3 8 है, तो इसमें से 1 माइनस करना है 7/8, 11 की पावर 7/8 आंसर। चलो और बताता हूँ आपको, अगर मैंने यहाँ पर दिया आपको बच्चे, मैंने यहाँ पर दिया आपको 13 1 2 3 और 4, तो कैसे क्या आंसर होगा बताओ, 39 क्या आंसर होगा, 13 के पावर, बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 है तो 4 ले लिया, 16 होता है तो 13 के पावर 15/16, दिस इज द आंसर। चलो एक और देता हूं मैं आपको आर्यन, तुम बताना भाई 17 17 दो बार है भाई आर्यन, बताओ भाई आंसर बताओ, बहुत बढ़िया भाई शाबाश, क्योंकि दो बार है तो 2 की पावर 2 4 होता है तो 17 की पावर 3/4 1 माइनस हो जाएगा। लास्ट और पूछ रहा हूँ भाई बस,
ये भी आपका हो जाएगा कंप्लीट, मेरे ख्याल से प्रैक्टिस भी हो जाएगी फिर आपकी इसकी, और जो कल कराया था वो भी मैं एक आध क्वेश्चन अभी पूछ लूंगा लगे हाथ। मैंने एक क्वेश्चन और दिया भाई आपको यहाँ पे, मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, क्या आंसर होगा अभी बताओ। गलत है भाई, एनी अदर? ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 2 की पावर 5 32, तो 3 की पावर 31 बाई 32। चलो भाई ठीक है। अच्छा ये सेंड करना है नहीं करना, जल्दी बताओ। ये वाला सेंड करने की जरूरत है जो अभी करवाई है प्रैक्टिस के लिए? ठीक है भाई अभी कर, पूरा व्हाइट बोर्ड भर चुका है आपका, ठीक है इसके बाद फिर मैं और कराता हूँ। हाँ बोलो, किसमें बेटा? बेटा वो प्लस वाले अभी कराए तो थे, उनका अंतर एक होना चाहिए, अभी तो बताया था आपको बच्चे। बेटा डिफरेंस 1 ही आएगा आपका, जो आएगा ना डिफरेंस, उनका 1 ही डिफरेंस आएगा। क्या ना हो इन्फिनिटी ना हो, किसमें ना हो बेटा? नहीं इसमें नहीं होता बच्चे, इसमें इन्फिनिटी वाले ही होते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा ना, इसमें इन्फिनिटी वाले ही क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन ही नहीं बनता इसमें। और एक मैं आपको एक और फॉर्मूला दूंगा, मैं आपको अभी इसके बाद बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ उसमें आपके साथ। अरे बता रहा हूँ, कहता रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये तो सेंड कर दूं। वो वाला नहीं बताया था, वो मल्टीप्लाई में बताया था, दूसरा बताया था, अभी बता देता हूँ। एक बार ये सेंड कर दो फिर बताओ। सेंड हो गए भाई, जो भी करवाए थे वो सेंड करें ना यार। वसी, मिस्टर वसी, ये लो भाई कल वाले क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन लो। एक सेकंड, निकालो भाई आंसर। ये लो, √32 √48 अपॉन में, √32 + √48 अपॉन में भाई आपका √8 + √12। एक क्वेश्चन ये दिया मैंने, एक और क्वेश्चन देता हूँ भाई मैं आपको। एक मैंने दिया कल वाले क्वेश्चन पर ही आपको, पहले इसको करो फिर देता हूँ। करने दो बच्चों को, फिर आंसर मैं बता दूं। क्वेश्चन उतार लिया होगा सबने अब तक, तो बहुत देर हो गई। गलत आंसर है भाई तुम्हारा, तुम्हारा आंसर गलत था, दोबारा सॉल्व करो। एनी अदर आंसर भाई? अरे ध्रुव एक ही क्वेश्चन दिया था, एक ही क्वेश्चन दिया था, दोनों दिए थे। सुन लिया मैंने तुम्हारा आंसर ध्रुव, एक दो बच्चों के और आंसर आने दो फिर मैं बताता हूँ।
ठीक है भाई, बिल्कुल सही आंसर, परफेक्ट है भाई, बिल्कुल सही, परफेक्ट है भाई, बिल्कुल सही आंसर है सबका। बिल्कुल सही है भाई, किसी का गलत नहीं है, सबका आंसर सही है। देखो भाई यार, जो भाई ने फोर बताया, जब आपको बताया था मेरे भाई, 8 4 जा 32, 12 4 जा 48, अपॉन में नीचे भी है √8 + √12, और जब आपको बताया था भाई जो जो कॉमन होगा उसको बाहर ले लोगे, तो कॉमन में फोर थोड़ी आ रहा है, √4 आ रहा है ना, तो जब √4 आएगा तो अंदर क्या बचेगा, √8 + √12, और नीचे भी आपका √8 + √12 है, ये एज इट इज कैंसिल हो गया, तो √4 का 2 आंसर होता है ना, √4 का तो 2 होता है ना, तो आंसर 2 हो गया भाई, समझ आ गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ 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 करवाया था। हाँ कौन से वाला क्वेश्चन यार, मैं अभी भी नहीं समझा तुम्हारा, कौन सा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, पांचवे वाला कह रहे हो, लो पांचवे, कल करवाया था मैंने सोल्व, करवा तो दिया था कल सोल्व। ये लो यार, 666 1/5 + 666 2/5 + 666 3/5। अरे 666, ये यही है, ये सेम ही है, करो इसको सॉल्व। हाँ ठीक है, यही है भाई, सेम है भाई तुम्हारा, ठीक है अब तो ठीक है। चलो अब इस पे क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये लो करो, इसी पे क्वेश्चन करो, मैंने दिया आपको 333 1/3 333 2/3 4/3 333 3/3, हाँ करो भाई इसको। हाँ हाँ गीतांश बोलो बेटा, बेटा वो आपका, बेटा वो आप बता दो, रहे थे आपके नेट में इश्यू आ रहा है, वो इश्यू है आपके नेट वाला, तो इसको उतारो जल्दी से, रिस्टार्ट कर लो बेटा अपना, रिस्टार्ट कर लो, जैसे क्वेश्चन उतार लो बता देना भाई। क्वेश्चन उतार लिया सबने? √3 1/3 √3 2/3 √3 3/3 4/3 5/3 तक है बस। भाई बहुत देर हो गई, क्वेश्चन तो उतार लिया होगा अब तक, अरे सिक्स वाल, अब तो बच्चे आंसर भी आने लगे बच्चों के, रुको भाई अभी बता रहा हूं भाई, एक बार सबके आंसर आने तो फिर बता। ध्रुव भाई तुम्हारे घर चल रही है मरम्मत, तुम अपने इसको साइलेंट कर लो, हथौड़े बज रहे हैं तुम्हारे घर। बता रहा हूं बेटा अभी बता रहा हूं, एक मिनट में एक दो बच्चों के आंसर आने तो फिर बता दो।
1670। एक मिनट आंसर, वो अविनाश जहां तुम्हारा आंसर क्या है भाई? मिस्टर अविनाश, क्वेश्चन अविनाश जहां क्वेश्चन नहीं देगा यार। 333 1/3, 333 2/3, 3 मैंने तो बहुत देर तक यार वीडियो दिखाई थी यार सबको। 1/3 2/3, 3/3 4/3 5/3। अरे ऊपर वाला क्वेश्चन ही नहीं दिया यार मैंने, वो तुम कह तो रहे थे, मेरी समझ आ गया। वन बाई थ्री टू बाई थ्री 3/3 4/3 5/3। उतार लिया विनाश? ठीक है भाई। अच्छा मैं पूछता हूँ, आर्यन तुम्हारा क्या आंसर है भाई? आर्यन, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेरी गुड। देव, मिस्टर देव, क्या आंसर है भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, सबका आंसर बिल्कुल सही है, सेम ही आंसर है, 1670। जिसका नहीं आया भाई देख लो। 1 2 3 4 5, 5 टाइम है तो 333 × 5 आपको बताया ही था। 333 × 5 प्लस में, जब सबको प्लस कर रहे हो तो आ रहा है भाई 15/3, ये 5 पे जा रहा है। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1665 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो आएगा भाई आपका 1670। दिस इज चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ कल के बेस पे के लिए। भाई ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। 1 2 3, पहले क्वेश्चन उतार लेना भाई, और जैसे क्वेश्चन उतार लो मुझे बता देना। 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56। नेक्स्ट आपका 1/56, 1/72, 1/90, 1/110, फिर 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56। भाई बढ़ते क्रम में जाना है आपको, और जिसका अंतर एक आना चाहिए ऐसे वेक्टर निकालने जिनका डिफरेंस 1 हो, जैसे 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, ऐसे चलना है। हाँ 1 के डिफरेंस में, ये नहीं करना 2 6 जा 12, 10 2 जा 20, ऐसे तो कभी आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन में ग्रुप में भेज रहा हूँ भाई, उतार लिए होंगे वैसे आपने, नहीं उतारे तो मैं ग्रुप से। क्वेश्चन सेंड कर दिए भाई मैंने, ग्रुप में क्वेश्चन आ चुके हैं। अच्छा
आगे के भी बता दो मैं। तीसरे का ठीक है भाई, एनी अदर स्टूडेंट फिर मैं बताता हूँ, सही है गलत है मैं बता रहा। वन बाय 40। अच्छा ठीक है भाई, देव आगे सेकंड थर्ड का भी बता दो। कितना भाई? 4/4/21। गलत है भाई, दोबारा करो। अगले निकालो, अगले भी निकालो आर्यन, कहाँ से आ गए के दो निकालो भाई। हाँ बोलो, हाँ बोलो बच्चे, बोलो 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 बोलो। अच्छा कौन बोल रहे हो यार? सफीक, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी भाई मुझे, इतने सही आंसर दोगे तुम। दोबारा सवाल करो। हाँ बच्चे बोलो। दूसरे का क्या बताया? और थर्ड का भाई, थर्ड का दोबारा सॉल्व कर लो भाई। मैंने कुछ नहीं भेजा भाई। भाई 4/16 को दोबारा सॉल्व कर लो भाई। थर्ड वाला क्वेश्चन यार ग्रुप में सेंड कर रखा है मैंने, देखो। हाँ 12 ही लिखा भाई, 1/12, 1/12, 1/20, 1/30 और 42 और 56 ही लिखा है भाई।
भाई लिस्ट आंसर होता है यार सदा, ये आंसर नहीं होते सदा, जो लिस्ट होता है ना वो आंसर आता है सदा, इनको काट के आंसर बताया करो। बस 3 ही आ रहा है, अपॉन में नहीं आ रहा कुछ। अच्छा जब देख लो भाई, करा रहा हूँ भाई, करा रहा हूँ, ये देखो भाई, सब वो सफीक भाई, 3 4 जो 12, 4 5 जो 20, 5 6 जो 36, 7 जो 42, 7 8 जो 56। आपको बताया भाई पहले वाले में से लास्ट वाला माइनस करना है, ठीक है? तो 1/3 माइनस 1/8, 1/3 माइनस 1/8, एलसीएम कितना आया? 24। 3 8 जो 8 3 से क्या हो गया? 5/24 का। कोई बात नहीं, अब ये 56 है भाई, 7 8 जा 56, 8 9 जा 72, 9 10 जा 90, 10 × 11 110। तो आपको बोला था 1/7 में से 10 × 11, तो 1/11 माइनस कर दो, तो भाई 1/7 माइनस 1/11, तो 1/7 77 आया, 11 माइनस 7 कितना आएगा? 4/77, दिस इज द आंसर, खत्म सवाल भाई। लास्ट वाले का क्या था भाई? 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5, 5 6 6 7 7 8, तो 1/2 में से 1/8 माइनस करना है, 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम आया 8, 2 4 जाए 8 बन जाए 3/8, आंसर आ गया भाई तुम्हारा, खत्म सवाल। हाँ भाई आर्यन, समझ आया? सफिक सेंड करना ही है, ठीक है भाई। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ भाई, तुम इनसे अलग थोड़ा सा, बताओ भाई इसका आंसर। भाई अब बताओ, बहुत बढ़िया, भाई आर्यन, एक ने दिया भाई सफी, तुम्हारा भी आंसर नहीं है भाई। भाई अगर इधर क्यूब है, इधर क्यूब है, बीच में माइनस है, तो इसमें से माइनस करना है बस तुम्हें, 0.18 में से 0.11, 0.11 माइनस करना है, तो 0.07 आंसर होगा बस। और प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, अगर कभी भी क्यूब आ जाता है तो बस ये साइन देखना है, अगर ये साइन माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, और कुछ नहीं, बता रहा हूँ। क्या आंसर होगा भाई? है ना, अब आपको पता है बीच में प्लस है तो 17 11 प्लस कर दो बस, 28, खत्म सवाल, और कुछ नहीं देखना तुम्हें, क्यूब में है ना, बस बीच का साइन देखना है, अगर बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, और तुम्हें कुछ ही नहीं करना, चाहे तुम्हारा किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? और इसमें तुम्हें किसी में कुछ नहीं करना, बस यही था इसमें। अच्छा, और जो तुम्हारे रूट वाले सवाल है भाई, जिनके फैक्टर नहीं बनते उनका एक अलग असाइनमेंट मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? जिनके फैक्टर नहीं बनते उसमें एक फॉर्मूला है, वो मैंने पहले भी एक बार क्लास में बहुत पहले करवाया था, शायद ध्यान होगा जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास में करवाया था उनको याद होगा, तो वो मैं अलग से एक असाइनमेंट आपको और करा दूंगा, अभी ज्यादा करवाने से कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इतने मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन कराए ना इन सबको अच्छे से भाई प्रैक्टिस करके, और आप लोग मेरे को सेंड कर देना भाई सारे क्वेश्चन। हाँ कौन सा 9 वाला? कौन से वाला बच्चे, बताओ क्वेश्चन बताओ।
क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला 999/7 999/7 वो वाला। फिर बताओ बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स वाला। भाई अगर ये है ना भाई ध्रुव, एक्स इज इक्वल टू 5 + 2√6 है और एक्स प्लस वन बाई एक्स आपसे पूछा हुआ है, यही है ना भाई क्वेश्चन आपका। तो भाई ध्रुव एक्स की जगह तो लिख दो भाई 5 + 2√6 और वन बाई एक्स की जगह ना भाई इसमें माइनस लगाना है बस तुम्हें। अब एक्स की वैल्यू तो ये है और वन बाई एक्स की वैल्यू 5 - 2√6 है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। अब ये माइनस प्लस एक जैसी डिजिट तो कट जाती है, तो आपको पता ही है 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा, बस खत्म सवाल। ऐसे ही इससे अगला सवाल है भाई तुम्हारा, समझ आया? बस यही था इसमें। और कोई क्वेश्चन भाई इस असाइनमेंट का? और किसी बच्चे को इस असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कौन सा 9 वाला बेटा? इसी का अगला कौन सा 9 वाला? अच्छा वो ये देख लो भाई, देख लो आर्यन, इस टाइप के क्वेश्चन में दे दूंगा बच्चे आपको सेंड कर, वो करने के लिए घर पे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगला x प्लस वन वाई एक्स है भाई, x की वैल्यू दे रखी है भाई ध्रुव, x इज इक्वल टू 7 + 4√3, 7 - 4√3 दी है, 7 - 4√3। तो ये बताओ ध्रुव मैंने 1/x का क्या बताया, क्या होगी 1/x की वैल्यू? इसका प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? यस प्लस, अब ये माइनस प्लस कट जाएगा ना, तो 7 और 7 = 14 आंसर हो जाएगा, खत्म सवाल। समझ आ गया अब? ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चंस में दे दूंगा आपको इन पे अदर क्वेश्चन, मैं प्रैक्टिस करने के लिए ना मैं बना के सेंड कर दूंगा आप लोगों को, इतने जो भी ये क्वेश्चंस दिए ना आपको इनकी प्रैक्टिस करना फिर आप अच्छे से। और कल फ्राइडे है, कल ऑफ है आपका, तो साइंस के भी याद कर लेना, जो भी मैडम नोट्स भेजती है उनको याद कर लेना, या जो मैंने भेजे थे उनको भी सेंड कर लेना, और मैं अदर से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, उनको भी आप याद कर लेना। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट में मुलाकात करते हैं फिर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ 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 बताया भाई। हाँ बेटा बोलो। ठीक है बेटा, मैं भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए भेजने हैं ना, अलग से करने के लिए। हाँ मैं दे दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा सबके लिए। ठीक है बच्चे, ओके भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।